Good morning, everybody. Can you all hear me and see me? Mascots, good morning. 6 o'clock classes have resumed and आज हम करने वाले हैं chapter number 8 cell structure and function. कैसे हो आप लोग सब? एकदम बढ़िया, मजे में? Doing good for yourself? चले फिर. Can we start the session? ये वाला topic open हो चुका है आपकी classes में. चले स्टार्ट करें. गुड मॉर्निंग एंड हैव यू ओपन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? यस. सीधा देखो मैं स्लाइड पे आ चुकी हूँ. कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कोई स्लाइड नहीं है. एंड गाइस मैं आपको एक चीज बार बार बताना चाहती हूँ, प्लीज, ये तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आप यूट्यूब का टाइम कम कर दो. फिजिक्स के लिए कहीं पे एक घंटा बैठ के पढ़ाई कर लो, केमिस्ट्री के लिए एक घंटा पढ़ लो, बायो के लिए तो आपको पता है 40-45 मिनट्स में सुबह लेंगी, 40-45 मिनट्स में शाम को लूंगी. बस अभी खुद सेल्फ स्टडी करो, खुद नोट्स को पढ़ो, खुद जल्दी से रिवाइज करो. लास्ट के 30-35 डेज रह चुके हैं, खुद एमसीक्यू सॉल्व करो. जो सेल्फ स्टडी करेगा इस टाइम पे उसी की सीट आएगी, इस बात को याद रखो. डन, चलो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे सीधा आते हैं. तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन्होंने यहाँ पे बताया है, हम बिहेवियर देखते हैं, सेल थियोरी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, पर इस पूरे में से कोई भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है आप लोगों के लिए. इज दैट क्लियर? कैसे फिर ये मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम ये करेंगे, इस चैप्टर में हम ये करेंगे, ठीक है. अब जी एम रामाचंद्रन ने प्रोटीन स्ट्रक्चर पे काम किया था. तो अगर कभी आए कि कोलेजन की स्टडी किसने की थी, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन का आर्टिकल किसने लिखा था, जी एम रामाचंद्रन, ये क्वेश्चन आ सकता है. इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन. Understood everybody? I am very good. I know बच्चे, some of you are taking a drop. सबा, I will, Adiba, I will talk about drop students also. Is that clear? Good morning, good morning. ठीक है, चले. अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा और यहाँ से एमसीक्यू आना शुरू होंगे. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्वेश्चन नंबर वन. यस मैम कर दो, हैंड रेज कर दो, हार्ट बना दो, बोल दो. द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सबसे पहले एक लाइव सेल को देखकर और डिस्क्राइब करने वाला साइंटिस्ट था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ, एमसीक्यू क्वेश्चन. रॉबर्ट ब्राउन ने लेटर न्यूक्लियस डिस्कवर किया. इज दैट क्लियर? और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमने ऑब्वियसली बहुत डिटेल में चीजें देखना शुरू कर दी. गुड मॉर्निंग. सो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ एंड रॉबर्ट ब्राउन, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन, 100%. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ, रॉबर्ट ब्राउन, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन. फिर आते हैं 1838 में, शेल्डन जो जर्मनी का था प्लांट्स किया और श्वान ने एनिमल सेल किया. इज दैट क्लियर? इसे प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. सो शेल्डन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी. शेल्डन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी. बॉटनी की स्टडी है किसने बताया, बताइए प्लीज. बॉटनी में प्लांट्स किसने बताया, बताइए. शेल्डन ने बताया. किसने बताया? शेल्डन ने. इज दैट क्लियर? बॉटनी किसने बताया? शेल्डन ने. जूलॉजी में भी, एनिमल सेल्स में भी होता है, किसने बताया? श्वान ने. तो शेल्डन एंड श्वान ने मिलकर हमें सेल थियोरी दे दी. अंडरस्टूड? श्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पढ़े, राइट. तो इनके हिसाब से एनिमल्स और प्लांट्स सारे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट इज व्हाई बोथ ऑफ देम, शेल्डन एंड श्वान, गेव सेल थ्योरी. देन एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रूडोल्फ वर्को. उन्होंने बोला कि जब पुराने सेल्स डिवाइड करेंगे तभी नए सेल आएंगे. ओमनिस सेलुला, सेलुला ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इन्होंने शेल्डन और श्वान की सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया. उन्होंने कहा था प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. इन्होंने कहा सारे सेल्स ओनली कम फ्रॉम सेल्स. सो शेल्डन, श्वान, रुडोल्फ वर्को, ओमनिस सेलुला, सेलुला, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन. डू यू नीड टू मेमोराइज इयर्स फॉर शेल्डन, श्वान, रुडोल्फ वर्को? प्लीज ट्राई टू मेमोराइज इयर्स ऑल्सो. So all living cells are composed of cells. All cells come from pre-existing cells. Is that clear? Yes.
cells of the human cheek have an outer membrane as a delimiting structure of the cell. सारे cells में membrane होती है. Animal cell membrane होगी. Membrane is that clear? बीच में nucleus होगा जिसमें genetic material है. Prokaryote, eukaryote में cytoplasm होगी which is a volume of the cell. सारी cellular activities cytoplasm में होती हैं. Eukaryotes के पास organelles भी होती हैं. राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसको जॉर्ज फैराडे ने डिस्कवर किया था. इट इज अ डेंस पार्टिकल. ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. ये प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बिकॉज इनके पास अपना डीएनए है और राइबोसोम्स भी होते हैं. क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एमसीक्यू लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एमसीक्यू है. यूकैरियोट्स के पास ऑर्गेनेल होता है. डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. एमसीक्यू है. सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जहां सारे रिएक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म है. एमसीक्यू है. They have a outer membrane MCQ है. Is that clear everybody? इसके बाद अगला MCQ आएगा PPLO पे. Clear सारे previous year questions हैं. Smallest cells जिनका size सिर्फ 0.3 micrometer होता है. Mycoplasma PPLO MCQ है. सारे previous year MCQs mark कर चुके हैं. मैं तो 15-15 minute में एक chapter कराऊंगी. 15 minutes में one chapter will be done. 15 minute. That is all that you need. पर सुबह उठना पड़ेगा. 15 मिनट 20 मिनट में चैप्टर खत्म. Is that clear? शाम को इसके 40 questions करेंगे हम. प्लीज यहाँ पे शेप याद रखिएगा. व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप अमीबॉइड होती है. एमसीक्यू आया हुआ है. रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकॉनकेव होते हैं. लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है. सारे एमसीक्यू आए हुए हैं. अंडरस्टूड एवरीबडी? ब्रांच एंड लॉन्ग सेल्स. अब आइए दोबारा एमसीक्यू. PPLO का yes yes यहां पे PPLO while bacteria can be 3-5 micrometer. Largest cell ostrich का है. MCQ आ सकता है. Human red blood cell का diameter होता है 7.0. Light पड़ रही है वहां 7.0 right. Cells this shape polygonal columnar cuboidal thread like irregular सब कुछ हो सकते हैं. अब आ जाओ प्रोकैरियोटिक सेल पे. फिर आएंगे यूकैरियोटिक सेल पे. इज दैट क्लियर? चुन्नू मुन्नू दीपांशी हाउ आर यू? मानसा हाउ आर यू? प्रोकैरियोटिक सेल सबसे छोटे होते हैं. माइकोप्लाज्मा इनका एक और नाम होता है. पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया की चार बेसिक शेप होती है. रॉड लाइक बैसिलस जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस कोकस स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस विब्रियो कॉलरा एंड स्पाइरल इज ट्रेपोनेमा पैलेडियम. प्लीज शेप याद रखो. प्लीज राइट. प्लीज शेप याद रखो. प्लीज ब्राइटनेस ठीक है कम कर दी मैंने. आगे बढ़ते हैं. The organization of prokaryotic is fundamentally similar. सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास न्यूक्लियस नहीं है. आइए प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द मेम्ब्रेन. जेनेटिक मटेरियल नेकेड. एमसीक्यू क्वेश्चन जेनेटिक मटेरियल नेकेड. इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन. इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं. इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं बिकॉज इसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है. इस नेकेड को हम इनसीपिएंट भी कहते हैं. इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं. डन. प्लीज डोंट लेट माय सैक्रिफाइस गो वेस्ट बच्चों. पीपीएलओ टिपिकल बैक्टीरिया 1-2. यूकैरियोट 10-20. पीपीएलओ 0.1. बैक्टीरिया 0.02-0.2. ठीक है. बैक्टीरिया के पास छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है. आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. सर्कुलर डीएनए को प्लास्मिड कहते हैं. पर ये बायोटेक में पढ़ाओगे इसलिए यहां मार्क नहीं किया है. डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि कहीं इसमें फॉरेन जीन तो नहीं लग गई. ट्रांसफॉर्मेशन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है. प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडीज होती हैं. फॉरेन सब्सटेंस को वो इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर.
सो प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर शिक्षा? इज दैट क्लियर? वो दोनों नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस 04, इंक्लूजन बॉडीज, राइट एवरीबॉडी? सेल मेम्ब्रेन में मीसोसोम होते हैं, विच इज इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन. मीसोसोम जो इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर रेस्पिरेशन. आ जाइए सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस. सेल का कवर एंड इट्स मॉडिफिकेशन 100% क्वेश्चन आएगा. सबसे बाहर एक लेयर होती है विच इज टाइटली बाउंड, थ्री लेयर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कैप्सूल बनाती है. एमसीक्यू क्वेश्चन, ग्लाइकोकैलिक्स जो कैप्सूल बनाती है, जो कवर बनाती है, राइट? ये वही कवर है जो स्लाइम लेयर के फॉर्म में बैक्टीरिया को आपस में कॉलोनाइज करने में मदद करता है. ये वही कवर है जिससे बैक्टीरिया एक दूसरे को चिपक जाते हैं. इज दैट क्लियर दीपांशी? ग्लाइकोकैलिक्स पे क्वेश्चन आएगा. इज दैट क्लियर? ये ग्लाइकोकैलिक्स ही है और सेल एनवेलप के जो डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव और कुछ बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव. ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जो पर्पल स्टेन, जो पिंक स्टेन लेते हैं. ग्राम नेगेटिव वो, ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो पर्पल स्टेन लेते हैं. ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जो पर्पल पिंक स्टेन लेते हैं. पॉजिटिव पर्पल, ग्राम नेगेटिव पिंक स्टेन लेते हैं. इज दैट क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर की थी. किसने डिस्कवर की थी मैं आपको बता दूं, हैंस क्रिश्चियन ग्राम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के बेसिस पे हमें बैक्टीरिया में डिफरेंस नजर आते हैं और बैक्टीरिया में डिफरेंस के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं, उनको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राम स्टेनिंग पे अभी क्वेश्चन नहीं आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लाइकोकैलिक्स की अलग अलग थिकनेस होती है. जब ग्लाइकोकैलिक्स बहुत लूज होती है उसको स्लाइम लेयर कहते हैं, एमसीक्यू में आया हुआ है. और कई जगह थिक और टफ होती है तब उसको कैप्सूल कहते हैं. एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जब ग्लाइकोकैलिक्स बहुत लूज है, ऐसे ढीली है स्लाइम लेयर, जब थिक है उसको कैप्सूल कहते हैं. और सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. जो इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको मीसोसोम कहते हैं. कई बार वो इनफोल्डिंग्स लंबे लंबे स्ट्रक्चर बन जाती हैं. अगर स्ट्रक्चर गोल हो, अगर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो गोल हो, वेसिकल, अगर एक सिंगल ऐसा हो ट्यूब्यूल, अगर एक के ऊपर ऐसे खूब सारा स्टैक हो, तो लैमिनिन, राइट? दोबारा रिपीट करती हूँ, इससे क्या क्वेश्चन आएगा. लूज एग्रीगेट ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर, टफ कवरिंग ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनर स्ट्रक्चर इन फोल्डिंग इज कॉल्ड मीसोसोम, इफ इट इज अ राउंड स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड वेसिकल, इफ इट इज अ सिंगल ट्यूब इट्स कॉल्ड ट्यूब्यूल, इफ इट इज अ स्टैक इट इज कॉल्ड इज लैमिले. यस, ऑल द बेस्ट साक्षी. ओके, आगे बढ़ते हैं. बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो उनके पास होता है फ्लैजिला. अगर वो मोटाइल है, फ्लैजिला के तीन पार्ट्स होते हैं, एमसीक्यू में आता है. फ्लैजिला का एक पार्ट होगा बेसल बॉडी, फ्लैजिला का दूसरा पार्ट होगा हुक, फ्लैजिला का तीसरा पार्ट होगा फिलामेंट. एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन. फ्लैजिला के तीन पार्ट है, बेसल बॉडी, इसके कार्टविल अपीयरेंस सब कुछ बताऊंगी मैं. बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, तीन पार्ट है. फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन. अगर उसके ऊपर, राइट, बिसाइड फ्लैजिला दो और चीजें होती है, पिलाई एंड फिम्ब्रिए. पिला एक स्पेशल चीज है जिसमें स्पेशल प्रोटीन होता है, पाइलिन और फिम्ब्रिए होते हैं. पिलाई जितने भी हैं वो आपके ऐसे, ये बेसिकली ट्यूब बनाते हैं दो बैक्टीरिया के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, इसीलिए इसे सेक्स पिलाई भी कहते हैं. और स्मॉल ब्रिसल की तरह जो चीजें होती हैं उसे फिम्ब्रिए कहा जाता है. फिम्ब्रिए अटैचमेंट में हेल्प करते हैं रॉक्स एंड स्ट्रीम्स. याद रखना, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, पिलाई भी मूवमेंट में हेल्प करता है. फ्लैजिला लंबा और एक होता है, पिलाई ओर की तरह होते, चप्पू बहुत सारे होते हैं,
सारे पिलाए एक साथ मूव करते हैं, और लास्ट में एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए का काम होता है अटैचमेंट। फ्लैजेला एक होता है, पिलाए बहुत सारे होते हैं, और एक फिम्ब्रिए होता है। फिम्ब्रिए का काम होता है अटैचमेंट। राइबोसोम्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगेंगे प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है 70S, यूकैरियोट का राइबोसोम होता है 80S। राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, लार्ज एंड स्मॉल। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रोकैरियोट की सब यूनिट का साइज होता है 50 और 30 टुगेदर 70S। अगर एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम लग गए, इट इज कॉल्ड एज पॉलीजोम। जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। क्वेश्चंस पूरे मैं आपको शाम को कराऊंगी, शार्प एट 9 PM। दुनिया इधर से उधर हो जाए, शाम को क्वेश्चंस पक्का करने, सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रटवा दूंगी। सो mRNA पे बहुत राइबोसोम लग जाए पॉलीजोम्स, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S, एक होगा 50S, दूसरा होगा 30S। यूकैरियोटिक सेल पे हमें आपको पढ़ाऊंगी 80S होगा। इंक्लूजन बॉडीज होती है प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ बाहर खाने पीने का मिले तो उसको इंगल्फ कर लेते हैं, इंगल्फ करके इंक्लूजन बॉडीज बन जाती है, राइट। फॉस्फेट इंक्लूड कर लेंगे, साइनोफाइसिन स्टार्च इंक्लूड कर लेंगे, ग्लाइकोजन कर लेंगे, अगर कोई सेल उसको फ्लोट करना है गैस वैक्यूल्स कर लेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ताकि फ्लोट कर सके। सो इंक्लूजन बॉडीज में क्या होगा, स्टार्च होगा, गैस होगा, साइनोफाइसिन स्टार्च होगा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होंगे। प्लीज याद रखो, देव प्रसाद, प्लीज अलीशा, यस डन, इंपॉर्टेंट पॉलीजोम्स इंपॉर्टेंट है, 50S 30S इंपॉर्टेंट है, 70S इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन साइनोफिसियल स्टार्च ग्लास वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक सेल पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप होगा, एक मेम्ब्रेन होगी, क्रोमोसोम्स होंगे, जेनेटिक मटीरियल जो है इनसीपिएंट न्यूक्लियस जीनोफोर ऐसा नहीं होगा, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम्स, राइट। प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होता है और लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ये तो पता है ना, ये तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना कि प्लांट सेल के पास वैक्यूल होगा सेंट्रल और लार्ज, एनिमल सेल के पास वैक्यूल होंगे छोटे और मैनी। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होगा, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो पता है वैक्यूल बड़ा, अगर डायग्राम आ गया राइट, मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का दिख रहा है, ये देखिए, ये प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा राइट, और यहां सेंट्रल न्यूक्लियस, छोटे छोटे वैक्यूल आसपास। आ जाइए सेल मेम्ब्रेन, एक एक करके सारी चीजें करते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन 1950s में आया था, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए था, राइट। नाउ रेड ब्लड सेल्स में साइंटिस्ट ने मेम्ब्रेन की स्टडी की। मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन 99% बहुत बार आया है, लिपिड और प्रोटीन। अरेंज किस में होती है, बाइलेयर में। बाइलेयर में जब अरेंज होती है तो हेड कहाँ होता है, हेड बाहर को होता है, टेल अंदर को होती है, ऐसे होती है ना बाइलेयर, राइट। क्योंकि बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, तो ये जो टेल है इसको आपने प्रोटेक्ट कर दिया है। देखो, the tail of saturated hydrocarbons is protected from aqueous environment, क्योंकि head दोनों तरफ बाहर होता है। ये तो कब से बचपन से पढ़ रहे हो, पता है ना, head is towards the outside, tail is towards the inside, is that clear? Protein होता है, carbohydrate भी होते हैं cell में। membrane में 52% protein होता है, 40% lipid होता है, याद कर लो, MCQ का question है। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, अगर प्रोटीन सिर्फ बाहर की तरह है, अगर प्रोटीन सिर्फ बाहर की तरफ है तो उसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, वो सरफेस पे होता है, पर अगर प्रोटीन मेम्ब्रेन से आर पार कर रहा है उसे कहते हैं इंटेग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो मेम्ब्रेन में बरिड होता है, इंटेग्रल प्रोटीन, दिख रहा है मेरे बच्चों को, आर पार। पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ बाहर की तरफ होता है, शुगर होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और जो प्रोटीन चैनल की तरह काम करेगा आर पार जाएगा, इंटेग्रल प्रोटीन। डायग्राम बनाकर दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इज दैट क्लियर। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था,
सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था. आगे चलते हैं, पढ़ते हैं. राइट, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972, इसका अंडरलाइन करना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर के साथ आता है. सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था, बाई लेयर ऑफ मेम्ब्रेन थी, बाई लेयर. राइट एवरीबडी, ग्रोथ क्या क्या काम होता है, लिपिड की मेम्ब्रेन क्यों है, लिपिड की मेम्ब्रेन ग्रो करवाएगी, इंटरसेलुलर जंक्शंस करवाएगी, एंडोसाइटोसिस कराएगी, सेल टू सेल फ्यूजन करवाएगी. राइट, लिपिड की बाई लेयर होती है. मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, एमसीक्यू लिखा हुआ है, मैंने उधर कट हो गया है, सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली, अगर एनर्जी नहीं चाहिए, विदाउट एनी एनर्जी अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव. अगर एनर्जी चाहिए, एक्टिव. एक्टिव अगर मूवमेंट हो रही है, हाई टू लो, स्पेशली वॉटर की ऑस्मोसिस. गैस की मूवमेंट हो रही है, डिफ्यूजन. मेम्ब्रेन बाइलेयर किसने बना के दिया था, मॉडल, सैंडविच मॉडल, सिंगर एंड निकल्सन की. बाइलेयर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स लगे हुए हैं. राइट, मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है. अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट के बिना खाना जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर जा रहा है, हाई टू लो, ऑस्मोसिस, और अगर एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, एमसीक्यू लिखा है मैंने, सोडियम पोटेशियम एटीपी यूज हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट. पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सोडियम पोटेशियम पंप चाहिए. राइट एवरीबडी, प्लांट सेल्स में जो स्पेसिफिकली होती है, जो सेल को शेप देती है, डैमेज और इंफेक्शन से बचाती है, इट इज सेल वॉल. सबसे पहले बनने वाली सेल वॉल प्राइमरी, उसके बाद बनने वाली सेकेंडरी. जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, सेकेंडरी बनेगी. सबसे पहले बनने वाली प्राइमरी, यंग प्लांट प्राइमरी, सेल मैच्योर हुआ बनेगी सेकेंडरी. इज दैट क्लियर? दो सेल के बीच में होगा मिडल लेयर. द मिडल लैमिला व्हिच इज बिटवीन टू सेल्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. एमसीक्यू क्वेश्चन, दो सेल के बीच में लगने वाली मिडल लैमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. पहले बनने वाली प्राइमरी, बाद में बनने वाली सेकेंडरी. शेप सेल को देने वाला सेल वॉल. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन के लिए, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन को बाहर भेजने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर पोर से शुरू होकर ये सिस्टम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं. न्यूक्लियर पोर से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम. अंडरलाइन करो, चलो फटाफट अंडरलाइन करो, कौन से पार्ट्स है बताओ वाणी मैम को, कितने पार्ट्स है इसके. इसके वाणी मैम तीन पार्ट्स है. क्या है वो तीन पार्ट्स? तीनों पार्ट्स का नाम है सबसे इंपॉर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिखाई दे रही है. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन बनाएगी. अगर राइबोसोम नहीं लगा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लिपिड्स बनाएगी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करेगी, लाइसोसोम वगैरह बनाएगी एंड लाइसोसोम. सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनता है वो कहां जाता है? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है वो कहां जाता है? कहां जाएगा बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनकर जो कहां जाएगा? गॉल्जी अपैरेटस. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है. क्या है? सुबह सुबह देखो मेरी कितनी एनर्जी लगवाते हो तुम लोग. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है. इज दैट क्लियर? इस चैप्टर से चार क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म पे स्कैटर्ड होता है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो चीज होगी इसको क्या कहेंगे? ल्यूमिनल. अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. और जो बाहर होगा, बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो होगा ल्यूमेन,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ल्यूमिनल जो बाहर होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स आकर लग जाएंगे वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाएंगे, अगर राइबोसोम्स नहीं लगे वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स लिपिड्स बनाते हैं, जो लिपिड्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? सबसे पहले एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, उसने एक ऐसा अपैरेटस देखा जिसको गोल्जी अपैरेटस उसके नाम के पीछे रख दिया। इसमें डिस्क शेप्ड सैक लगे हैं, इनको इन सैक्स को सिस्टर्ने कहते हैं। ये सैक्स जो लगे हुए हैं ऐसे एक के ऊपर एक सैक्स जो लगे हुए सिस्टर्ने कहलाते हैं। इनका डायमीटर 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर होता है। राइट एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगे हुए हैं। जो न्यूक्लियस के पास होते हैं वो कॉन्वेक्स फेज होता है, उसको सिस फेज कहते हैं। नियर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पास होगा सिस, और जो इसके ऑपोजिट होगा उसको ट्रांस फेज कहते हैं। ट्रांस फेज, राइट? तो मान लो ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के पास होगा इसे सिस कहेंगे, जो दूर होगा इसे ट्रांसफर के लिए ट्रांस कहेंगे। मटेरियल एंटर करेगा, मॉडिफाई होता चला जाएगा, मॉडिफाई, और ट्रांस से एग्जिट करता है, सिस में एंटर करता है। इज दैट क्लियर? राइट? ट्रांस कॉनकेव होता है, सिस कॉनवेक्स होता है। सिस को फॉर्मिंग कहते हैं, यहाँ पे मटेरियल एंटर करता है, ट्रांस को हम यू नो ट्रांस से निकल जाता है, एग्जिट करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? राइट? गोल्जी का मेन काम है मटेरियल को पैक करना, इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है। ये मटेरियल को वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करता है, फिर हम उस मटेरियल को भेजते रहते हैं। गोल्जी अपैरेटस में प्रोटीन्स मॉडिफाई होते हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो आ जाएंगे आपके गोल्जी अपैरेटस में, और वहां से लाइसोसोम वेसिकल के फॉर्म में बनकर निकलेंगे। एक ऐसा वेसिकल गोला, एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मेम्ब्रेन बाउंड इसलिए क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये गोल्जी अपैरेटस में बनके तैयार हुआ है। इसमें सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसलिए लाइसोसोम को सुइसाइड बैग कहा है। वेरी रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर देंगी। राउंड स्ट्रक्चर होगा लाइसोसोम, ये क्रिश्चियन डी डूब ने डिस्कवर किया था। शाम को इसके दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी। क्रिश्चियन डी डूब ने डिस्कवर किया था, इसलिए लाइसोसोम को डी डूब बॉडीज भी कहते हैं। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, कोई लिक्विड, कोई सॉलिड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा मटेरियल जो यूजफुल नहीं होता वो वैक्यूल में डाल के हम बॉडी से निकाल देते हैं। प्लांट के वैक्यूल के बाहर टोनोप्लास्ट होता है, जो उसका मेम्ब्रेन है, जो डिसाइड करता है क्या एंटर करेगा क्या एग्जिट करेगा। प्लांट में वैक्यूल जो है वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैक्यूल, राइट? इसीलिए प्लांट्स में यू नो सेल वॉल होती है, वैक्यूल ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि वो सेल को टर्जिड या फ्लैसिड डिसाइड करता है। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए अमीबा में वैक्यूल होता है। कई ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के सामान को भी एक वैक्यूल में डाल देते हैं, जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितने हैं डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ सेल। ये क्वेश्चन 4 करोड़ बार आ चुका है, 4 करोड़ बार। देखो मैंने लिखा भी है ये वाला पैराग्राफ पूरा 4 करोड़ बार। अगर एक सेल एक्टिव उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, राइट? सॉसेज शेप सिलेंड्रिकल होता है, 0.2 to 1 micrometer, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन बहुत फोल्डेड होती है, फोल्डेड होने की वजह से हम इसे क्रिस्टे कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, ये इनर मेम्ब्रेन में होता है। क्रिस्टा आपको बता दिया, फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन होती है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट वेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हैपेंस। माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, एनर्जी बनाती है, पावर हाउसेज ऑफ सेल है।
इसके अंदर 70S राइबोसोम होता है, राइट? 70S राइबोसोम है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्रिस्टे, याद रखना। ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करवाती है, एनर्जी बनाती है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, पहले भी बताया था, सेमी ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, इसीलिए कहलाती है। राइबोसोम्स होते हैं 70S, और गाइस अगर 8-8, 10-10 घंटे के मैराथन लगा रहे हो तो ये निश्चित है कि तुम फेल हो जाओगे नीट के एग्जाम में। तुम लगा लो बैठ के 8-10 घंटे के मैराथन, अभी तुमने बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो मैराथन लगाने लगा लो, जो करना है कर लो, मेरे पास रोते बिलखते मत आना। मेरा काम है आपको समझाना, आगे सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, सब लोग इनका दिमाग होता है, तुम बैठ के सेल्फ स्टडी कर लो अभी, 10-10 घंटे यूट्यूब पे मत लगाओ, सेल्फ स्टडी करो प्लीज, राइट? तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा, मेरे 4-4 चैप्टर हो रहे मैराथन में। बेटा कोई भी बच्चा जिसका नीट एग्जाम निकलेगा ना, वो भी मैराथन नहीं लगा रहा है, वो बैठ के भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व कर रहा है। अच्छा प्लास्टिड आ जाओ, ये कलर्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके 3 टाइप होते हैं, अगर ग्रीन कलर के होंगे तो क्लोरोप्लास्ट, अगर मल्टी कलर्ड होंगे जो पेटल्स में होते हैं तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर व्हाइट कलर के होंगे तो ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहलाएंगे? ल्यूकोप्लास्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लोरो क्रोमो ल्यूको, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? वेरी नाइस समा, डन। अब क्लोरोफिल के अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड के टाइप होते हैं कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये जो है येलो ऑरेंज रेड कलर की के प्लांट को कलर देते हैं। दोबारा बताती हूँ, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट में होता है कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल येलो ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर के होते हैं, कलर कलरलेस होते हैं। ये किसमें होगा? आलू में होगा, चावल में होगा, काजू में होगा। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च, आलू, चावल। इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करते हैं, देखो पोटैटो, इलायोप्लास्ट ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोटीनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एमसीक्यू लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें अंडरलाइन कर ली है, बहुत। कैरोटीनॉइड कलर्ड होते हैं, कैरोटीनॉइड में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होता है, येलो ऑरेंज रेड कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर के होते हैं, उनमें अमाइलोप्लास्ट होता है, स्टार्च स्टेट करते हैं, स्टार्च आलू में होते हैं, चावल में होते हैं। इलायोप्लास्ट ऑयल सरसों का तेल, इलायोप्लास्ट, यस, कैस्टर रिसिनस, इलायोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं, प्रोटीन। और ऐसे होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में कराऊंगी। ये लेंस शेप्ड होते हैं, ऐसे गोल 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 गोल, डिस्कॉइड, कई बार रिबन शेप भी होते हैं स्पायरोगायरा में। क्लेमाइडोमोनास में 20-40 पर सेल होते हैं, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनके पास अपना राइबोसोम होता है, इनके पास अपना डीएनए होता है, प्लीज याद रखना, प्लीज। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अपना डीएनए होगा इनके पास, इनके पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये सारे ग्रैनोथाइलोकॉइड के फॉर्म पे लगे होते हैं, पर सेल में कभी ग्रैनोथाइलोकॉइड का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया आएगा आपके फोटोसिंथेसिस से। इज दैट क्लियर? क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 70S होता है, साइटोप्लाज्म का राइबोसोम 80S होता है। राइबोसोम में मैंने कुछ भी बात नहीं किया क्योंकि आपको सब कुछ पहले बता चुकी हूं, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, 50S, 30S, 70S, यही क्वेश्चन आएंगे, राइट एवरीबॉडी? यूकैरियोट्स में होता है 80S, 60-40, प्रोकैरियोट में होता है 70S, इंडिविजुअल सब यूनिट 50-30। तो यूकैरियोट में होगा 80S, बड़ा यूनिट होगा 60, छोटा यूनिट होगा 40S, S इज द स्वेडबल यूनिट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में होगा 70S, बड़ा वाला यूनिट होगा आपका 50S, छोटा यूनिट होगा 30S, दैट इज ऑल, बस यही दो क्वेश्चंस आएंगे, इनको याद रखना। साइटोस्केलेटन जो फिलामेंट्स होते हैं, जो उसको रिजिड बनाएंगे, टफ बनाएंगे, सपोर्ट देंगे, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड अ साइटोस्केलेटन। इसके बिना सेल की कोई शेप नहीं रह जाएगी। सो लेट अस लुक एट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, कैसा बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दिख रहा आपको? अब कैन यू सी बाहर 9 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो इसका इसका अरेंजमेंट कहलाता है 9+2। यस, ये दो बाहर है 9, अंदर है 2। इज दैट क्लियर? सेंट्रल कवरिंग है ये, इनको कहते हैं रेडियल स्पोक्स। अगर कभी आपको लेबलिंग में आ जाए रेडियल स्पोक्स, इनको ग्रीन वालों को कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिजेस। ये डबलेट है ना, एक डबलेट एक और डबलेट, तो डबलेट के बीच में हो गया इंटर डबलेट ब्रिज। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये रहे, सेंट्रल ये रहे, और सेंट्रल के बाहर एक कवरिंग होती है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट, इज दैट क्लियर? मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, इसलिए बार बार अंडरलाइन नहीं करा रही ताकि टाइम बचे। अभी बोला ना चप्पू चलेगा, सीलिया बहुत सारे होंगे, छोटे छोटे चप्पू चलाएंगे, सिंगल एक बड़ा जो होगा वो होगा फ्लेजेला। फ्लेजेला, इज दैट क्लियर? सीलिया फ्लेजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इनका जो कोर होता है, इनके बीच में जो पार्ट होता है सीलिया और फ्लेजेला के बीच में, उसको एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम में 9 डबलेट्स है बाहर और बीच में अपियर, तो 9+2 हो गया। बाहर 9 डबलेट्स और बीच में 2, तो टोटल हो गया 9+2। और अंदर के जो 2 हैं उनके बाहर एक कवरिंग लगी है सेंट्रल शीट। अंदर के जो 2 हैं उनके बाहर एक कवरिंग लगी है सेंट्रल शीट। 9+2, इट इज कवर्ड बाय सेंट्रल शीट। इज दैट क्लियर? 9 रेडियल डबलेट्स हैं बाहर, और पेरिफेरल डबलेट्स को कौन जोड़ रहा है? स्पोक, स्पोक, रेडियल स्पोक। ये देखो रेडियल स्पोक, राइट? कैसे जुड़े हैं? रेडियल स्पोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरिफेरल के बीच में कौन है? लिंकर्स, लिंकर्स। पेरिफेरल के बीच में कौन है? इंटर डबलेट ब्रिज, लिंकर्स। और पेरिफेरल और सेंट्रल कैसे जुड़े हैं? रेडियल स्पोक। और सेंट्रल के बाहर क्या लगा है? सेंट्रल शीट। बाहर कितने हैं? 9, अंदर कितने हैं? 2। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या कहलाता है? एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या है? 9+2, ठीक है। न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के पास जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 छोटे गोले होते हैं नियरली एट 90 डिग्री टू ईच अदर, इन दोनों गोलों को कहते हैं सेंट्रियोल। दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके अंदर भी कार्टिलेज अपीयरेंस होता है, सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, इनके पास भी कार्टिलेज लाइक अपीयरेंस होता है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो इनमें भी ऐसा होता है, इनके भी सेंटर में हब होता है और आसपास ऐसे स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो सेंटर में हब होता है और आसपास स्पोक्स होते हैं। और सेंट्रोसोम इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर है सेंट्रियोल। डिस्कवर किया था न्यूक्लियस मैंने, दोबारा एक चीज मार्क नहीं किए ताकि आप लोगों का टाइम बचे। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, शुरू में दिया हुआ था, आई रिटन इट। न्यूक्लियस स्टेन किया था डाइस से, और क्रोमैटिन फाइबर देखा था फ्लेमिंग ने। ये यहाँ पे मार्क किया क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन पहले ही मार्क कर दिया था मैंने, राइट एवरीबॉडी? रॉबर्ट ब्राउन तो मैंने पहले ही मार्क कर दिया। अंडरस्टूड? क्रोमैटिन फाइबर किसने देख के बताया आपको? फ्लेमिंग ने देख के बताया। नाउ न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडी होती है, जो देखो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडी जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के आसपास एक छोटी सी स्पेस होती है जिसको पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इज दैट क्लियर? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में बैरियर होता है। न्यूक्लियस के बीच में जो डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर देख के बताए थे फ्लेमिंग ने। न्यूक्लियस का डेंस पार्ट कहलाता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको कहते हैं पेरिन्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरिन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का काम होता है राइबोसोम्स बनाना। राइबोसोम्स का के लिए आरआरएनए चाहिए होता है जो न्यूक्लियस बनाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या शुरू हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पता है ना?
कि न्यूक्लियर होल है अगर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगेंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगेंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन फाइबर्स है, इट इज अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. अभी बोला मैंने वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए बनता है आरएनए, अंडरस्टूड? न्यूक्लियस में होंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को चाहिए होता है क्रोमैटिन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. ये आपको पूरा करवाऊंगी मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स के बिना कभी भी न्यूक्लियस की पैकेजिंग नहीं होगी, न्यूक्लियस की पैकेजिंग नहीं होगी हिस्टोन प्रोटीन. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है, एक दो तीन चार एमसीक्यू दिए हुए मैं आपके हिस्टोन प्रोटीन एक एमसीक्यू. न्यूक्लियस के सेंटर में हमेशा एक कंस्ट्रिक्शन होगी, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर. इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होता है जिसपे आकर आपका स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे वो होते हैं काइनेटिक. अगर न्यूक्लियस का सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर है बीच से सब मेटासेंट्रिक, और ऊपर है एक्रोसेंट्रिक, बिल्कुल कोने में है टीलोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, बिल्कुल कॉर्नर, टर्मिनल, टर्मिनल, थोड़ा बिल्कुल बीच में मेटासेंट्रिक, उससे थोड़ा ऊपर सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और ऊपर एक्रोसेंट्रिक, बिल्कुल कॉर्नर में टीलोसेंट्रिक. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है बीच में. न्यूक्लियर क्रोमोसोम के एंड में भी कंस्ट्रिक्शन होती है. देखो ये सैटेलाइट डीएनए जहां बीएनटीआर पाया जाता है, ये देखो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, पर एंड में भी कंस्ट्रिक्शन होती है. एंड में बीच की कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर, जो एंड में कंस्ट्रिक्शन है, एंड में गाइस प्लीज ध्यान दे दो, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये नॉन कोडिंग पार्ट है. सैटेलाइट 12th की क्लास याद करो, ये नॉन कोडिंग पार्ट है, सैटेलाइट नॉन कोडिंग पार्ट, राइट? मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स हो सकते हैं, कोई भी सामान हो सकता है, उनको कहते हैं हम माइक्रो बॉडीज. 45 मिनट्स में मैंने आपको पूरा सेल करा दिया. इसके बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपसे वाणी मैम की गारंटी है, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ये देखो तो मेरी रोज क्लासेस है. देखो आज 12 से 5 में क्लास लूंगी ना, तुम्हारा स्टडी विद मी चलेगा. तुमने स्टडी विद मी के लिए आना है आज, समझ आ रहा है? ये देखो स्टडी विद मी है तुम्हारा. स्टडी विद मी 12 से 5, 12 बजे से 5 बजे तक चलेगा. 5 आवर्स का स्टडी विद मी. तुम बैठ के टेस्ट दो. शाम को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू करा रही है और तुम्हारे एमसीक्यूज है. पर गाइस अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, गाइस यस, तो मैं क्या कहती हूं यार, प्लीज मतलब प्लीज, ये मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट है कि ड्रॉप मत लेना. बहुत मुश्किल होता है 1 साल 2 साल घर बैठकर पढ़ना, इट इज नियरली इम्पॉसिबल आई एम टेलिंग यू. ड्रॉप मत लेना, कुछ भी कर लेना पर ड्रॉप मत लेना गाइस प्लीज. इसलिए ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो. मैं ऑल्दो मैं तो एक ड्रॉपर बैच अर्ली शुरू कर रही हूँ, बहुत बच्चों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, बट ये क्रैश कोर्स भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है. चल रहा है, June 6 से शुरू हुआ है, 1 हफ्ता ही हुआ, आप पॉप अप कर लोगे. अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर पा रहे गेट दिस, इसका कोड है BT Pro, ले लीजिए, आपको क्लास में मिलेगा. ठीक है, बाय, आई विल सी यू एट 9 PM एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 12 o'clock टू डू स्टडी विद मी. बाय गाइज, बाय बाय बाय.